मैं सीधे चलूंगा, यहां पर मेरे साथ मौजूद हैं गौतम लहरी सर। सर क्या एक्सपेक्ट किया जाए गौतम लहरी सर, कहां तक, कितनी डेट्स में, कितने चरणों में क्या एक्सपेक्ट किया जाए? सबसे बड़ी जो बात है कि निशांत की ये मानना पड़ेगा कि लॉ एंड ऑर्डर के अलावा कोरोना भी एक फैक्टर है। यस, जिसके कारण बूथ का संख्या जैसे बढ़ सकते हैं, चुनाव का चरण भी बढ़ सकते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है सर टाइम में भी कुछ वो चेंजेस करें, टाइम भी थोड़ा ज्यादा बढ़ा दें? जैसे कुछ जगह पे हुआ था पहले स्टैगरिंग चुनाव, जे सुबह पहले से शुरू हो गया तो शाम तक तो एक टाइम देना ही पड़ता है 5 बजे तक, हो सकता है लेट नाइट कहीं जगह पे हो सकता है। लेकिन अभी ये मैंने स्पेकुलेट करना ठीक नहीं है, लेकिन आज से जो सारी जगह पे चुनाव हो रहा है, बंगाल में सिर्फ खेल हो रहा है, ये खेल का रेफरी आज इसका विगोल बजाएंगे। ये आज से शाम से पूरा जिम्मेवारी लॉ एंड ऑर्डर जितना भी आप जिक्र करें सारे दायित्व ये चुनाव आयोग के पास है। एक बार जरा मैं सोच रहा हूँ ग्राउंड पर जाकर एक बार क्विक रिएक्शन ले लें। अभिषेक उपाध्याय मेरे साथ मौजूद है। अभिषेक, क्या चुनाव में कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है कि टाइमिंग में भी हेर फेर होगा? क्या ऐसा लगता है वहां पर जो मूड है, जो वोटर है वो क्या सोच रहा है कोरोना को लेकर, उसके अंदर कितना फियर साइकोसिस है, चुनाव के टाइमिंग को लेकर कितना सब कुछ चल रहा है, कार्यकर्ताओं का क्या है, पार्टियां क्या सोच रही हैं? लेकिन निशांत, चुनाव को लेकर के बंगाल में एकदम उत्सव सा माहौल है, और जब मैं उत्सव शब्द आपको बोल रहा हूँ तो वो बोल रहा हूँ जो आंखों देखी है, पिछले 1.5 महीने मैंने देखा है पब्लिक वो उत्साह से उमड़ रही है। और ये किसी एक पार्टी की बात नहीं, चाहे बीजेपी का प्रोग्राम हो, टीएमसी का प्रोग्राम हो, ये बंगाल का कल्चर भी है कि बंगाल में राजनीति हो, चाहे समाज से जुड़ी कोई बात हो, यहाँ पर जो यहाँ की जनता है, वोटर, वो बहुत ही ज़्यादा उत्साह के साथ में, आक्रामकता के साथ में सड़कों पर आता है, वो यहाँ दिखाई पड़ रहा है। कोरोना का कोई असर इलेक्शन पे नजर नहीं आ रहा है, और दो ही बातें हैं, या तो ये एक तरह की बहुत बड़ी परिवर्तन की लहर चल रही है, अंडर करंट चल रहा है, या तो इस पर सारा ध्यान है, या इस पर ध्यान है कि ममता बनर्जी के 10 साल के शासन का जो टिकाऊपन है, वो टिकाऊपन आखिरी मौके पर भारी साबित होगा। बस यही दो चीजें हैं, या तो इस पार या उस पार, बीच में यहां कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। रिएक्शन यहां पर पीयूष से लेना चाहूंगा। पीयूष, आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कन्वेंशन तो ये होता था कि चुनाव आयोग जो है वो जो इलेक्शन कमीशन की जो बिल्डिंग है वहीं से पूरी डिटेलिंग करता था, इस बार विज्ञान भवन कैसे? जी निशांत, मैं बताना चाहूंगा कि कोरोना की वजह से चुनाव आयोग ने ये निर्णय लिया था। पिछली बार बिहार चुनाव के जब घोषणा की गई थी तो वो भी विज्ञान भवन से की गई थी, और इस बार 5 राज्यों के चुनाव की जो घोषणा है वो भी विज्ञान भवन से इसी कारण से की जा रही है, क्योंकि कोरोना वायरस के चलते ताकि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सकें और जो भी मानक हैं वो उनका अनुपालन किया जा सके, इसी वजह से ये निर्णय। आप जो बता रहे हैं, थोड़ा सा आप बिल्कुल ठीक बता रहे हैं। मैं सीधे चलूंगा शाजिया और सुरेंद्र सिंह राजपूत मेरे साथ हैं। सर और शाजिया, आप दोनों से पॉलिटिकल सवाल नहीं है मेरा, एक नॉन पॉलिटिकल सवाल है कि आपको ऐसा नहीं लगता है कि चुनाव वोटिंग का जो टाइमिंग है उसमें भी थोड़ा सा हेर फेर, उसमें भी थोड़ा एक्सटेंशन कोरोना को लेकर होना चाहिए, जिससे कि सब लोग आ पाए और जो सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स हैं, जो कोविड को लेकर नॉर्म्स हैं, उस सबका ख्याल रख के चीजें हो पाए? सबसे पहले ये सवाल मेरा कांग्रेस के जो सुरेंद्र सिंह राजपूत हैं उनसे। निशांत भाई बिल्कुल सही है, और सच्चाई ये है कि बिल्कुल मानवीय पक्ष को भी देखना चाहिए, सामाजिक पक्ष को भी देखना चाहिए, और कोविड की जो चुनौती है उसको भी देखना चाहिए, और सब लोग फ्री एंड फेयर होकर के वोट डाल पाए, इसके लिए भले ही समय बढ़ाना पड़े या बूथ बढ़ाने पड़े, कुछ भी करना पड़े, चुनाव आयोग को निश्चित तौर पर इन सब चीजों पर ध्यान देना चाहिए, और मुझे ऐसा लगता है और विश्वास भी है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।